मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, धन्यवाद का भाव एक भक्त का लक्षण होता है। जब हम धन्यवादी होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तब हम परमेश्वर की सृष्टि के करीब जाते हैं, तब हम ईश्वर के और भी समीप पहुंच जाते हैं। जब धन्यवाद का भाव हमारे हृदय से निकल जाता है, जब हम सिर्फ शिकायत करते हैं, जो कुछ मिला है उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते, बल्कि जो नहीं है उन कमियों को गिनाना शुरू करते हैं, तो समझिए कि हम परमेश्वर से उल्टी दिशा की तरफ चल रहे हैं। जब आनंद आने लगे, जब थैंक्स आने लगे, तो समझिए वह कसौटी है कि आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। जब धन्यवाद का भाव चला जाता है, तो समझें कि आप परमेश्वर से कोसों दूर आगे निकल गए। एक बार की बात है, नारद ऋषि एक वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो वृक्षों के नीचे दो तपस्वी अलग अलग तपस्या कर रहे हैं। वे पहले तपस्वी के पास गए और उस तपस्वी से पूछा कि वत्स, तुम कब से साधना कर रहे हो? उस तपस्वी ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, मैं अनेक जन्मों से साधना कर रहा हूँ और यह जो जन्म है, इस जन्म को भी मैंने प्रभु के चरणों में अर्पित किया हुआ है, परंतु समझ नहीं आता कब आत्म साक्षात्कार होगा। आप तो प्रभु के बहुत निकट हैं, कृपया करके मुझे बताइए कि मैं ईश्वर से कब मिलूंगा। तब नारद मुनि ने नेत्रों को बंद किया, कुछ देर ध्यान लगाया और नेत्र खोलकर बोले, वत्स, तुम्हें समय लगेगा, कम से कम 10 जन्म और लगेंगे, तब जाकर ईश्वर के दर्शन होंगे। वह तपस्वी बहुत ही क्रोधित हो गया और तुरंत बोला, मैं इतने जन्मों से लगा हूँ, अभी और 10 जन्म नहीं, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं दोबारा दुनिया में चला जाऊंगा, मैं साधना को अभी छोड़ता हूँ। उसने शिकायत के भाव से ऊपर आकाश की ओर देखा और दुनिया में चला गया। नारद मुनि दूसरे तपस्वी के पास गए, उससे भी उन्होंने वही प्रश्न पूछा। तपस्वी ने कहा, मैंने तो इसी जन्म में साधना शुरू की है, ठीक से साधना करनी आती नहीं, आप ही बताइए आगे मेरा क्या होगा। नारद मुनि ने कहा, जितने यह पत्ते हैं इस वृक्ष में, उतने ही जन्म लग जाएंगे, तब जाकर ईश्वर से मिलन होगा। वह व्यक्ति नारद मुनि की बात सुनकर रोमांचित हो गया, वह धन्यवाद के भाव से भर गया, नाचने लगा और कहने लगा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे ईश्वर जरूर मिलेंगे, किसी न किसी जन्म में तो मिलेंगे, मैं प्रयास करता रहूंगा। वह धन्यवाद के भाव से भर गया, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो गया और कहते हैं उसी समय उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब धन्यवाद का भाव आता है गहन रूप से, वह सभी विकारों को दूर कर देता है और मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा देता है। तो इसलिए धन्यवादी बनिए, हर समय धन्यवाद करें, जब भी साधना में बैठें धन्यवाद करें, जब भी ध्यान करें ईश्वर को थैंक्स कीजिए। ध्यान में सिखाया जाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना है, हमें हर चीज़ के लिए थैंक्स करना है, और यह जिस दिन आ जाएगा
तो समझिए आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम इसी साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं और मोक्ष की ओर चलें।